हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग दाल खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, वो भी हरी सब्जियों के साथ। यह खिचड़ी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मूँग दाल खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कटोरी चावल लिया, ये हाफ स्टीम चावल है, पतला वाला चावल है। आप इसे कुछ किसी भी चावल से बना सकते हैं। अब यहीं पर हमने लिया है इसी कटोरी के माप से एक कटोरी मूंग दाल। अब दोनों को मिक्स कर हमें अच्छी तरह से इसे पानी से धोकर साफ कर लेना है। यहाँ पर हमने दाल चावल को 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। इसे हमें भिंगो कर नहीं रखना है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर कुकर हमने रख दिया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब तेल को हम इस तरह से फैला लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा सोयाबीन न्यूट्रेला लिया है, इसे हमने गर्म पानी में उबाल कर इसका पानी निचोड़ लिया है। अब हम सोयाबीन को डालेंगे। अब सोयाबीन को हम थोड़ी देर भून लेंगे। सोयाबीन हमारा भून चुका है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे। अब हम तेल में डालेंगे 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा हम यहाँ पर जीरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा हम हींग डाल रहे हैं। हींग हमारा खिचड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, हींग डाइजेशन में भी मदद करता है। यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ली हूँ। थोड़ा सा गोभी हमने लिया है, 2 टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा आलू। अब यहीं पर हम सबसे पहले गोभी को फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने गोभी को फ्राई करके निकाल लिया है। अब यहीं पर हम डालेंगे प्याज। प्याज को हमें हल्का भून लेना है। अब यहीं पर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी हम हल्का भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो निकल जाए। अब यहीं पर डालेंगे हम हरी मिर्च और आलू। अब इसे भी हमें भून लेना है। आलू और प्याज हमारे भून चुके हैं। अब यहीं पर हम गोभी और सोयाबीन को डाल देंगे। अब यहीं पर हम मसाले डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब सभी को हम मिक्स कर देंगे। अब यहीं पर हम डालेंगे टमाटर। अब यहीं पर हम थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं ताकि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। अब सभी को मिक्स करके हमें थोड़ी देर भून लेना है। यहाँ पर हमने सब्जियों को थोड़ी देर भून लिया है। अब यहीं पर हम डालेंगे चावल और दाल। चावल दाल को भी हमें सब्जियों में मिक्स कर लेना है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर भून लेंगे। चावल दाल को हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब यहीं पर हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ पालक। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पालक लिया है। अब पालक को हमें चावल दाल में मिक्स कर लेना है। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो पालक का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे पानी। जितना हमने चावल डाल लिया उसका 3 गुना हम पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 6 कटोरी पानी डाला है। अब हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से।
अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने पहले डाला था तो हिसाब से ही डालें। अब यहीं पर हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद कर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी लगा लेंगे और कुकर की सीटी स्वयं खुलने देंगे। कुकर की सीटी हमारी खुल चुकी है। अब हम खिचड़ी को चेक कर ले रहे हैं। अब इसे हम चला कर देख लेंगे। कुकर में हमारा जो है खिचड़ी देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। अब इसमें हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। यहाँ पर हमने पहले से गर्म पानी का रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम 1 कटोरी गर्म पानी डाल रहे हैं। अब हम खिचड़ी को मिक्स कर लेंगे गर्म पानी में। हल्के हाथों से मिक्स करें। यहाँ पर आप जितना गाढ़ा पतला रख सकते हैं खिचड़ी उस तरह से रखें। ये देखिए खिचड़ी हमारा ज़्यादा पतला भी नहीं है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, इस तरह का होना चाहिए। अब यहीं पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता। इस खिचड़ी को ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 चम्मच घर का देसी घी। अब इसे भी हम खिचड़ी में इस तरह से मिला लेंगे। इससे हमारे खिचड़ी का जो टेस्ट है और बढ़ जाएगा। खिचड़ी में पानी डालने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इस अगर ठंडा पानी डालेंगे तो दाल और चावल अलग दिखने लगेंगे। मूंग दाल खिचड़ी हमारी बनकर तैयार है। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। यह खिचड़ी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस रेसिपी का आनंद उठा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।